एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो ये है केरला ट्रिप का फाइनल ब्लॉग जो कि है एलपी का। सो ये होटल से हम लोग नहा धो के ऐसे निकले। सो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करवाओ बिकॉज मुझे मेरा गाउन बहुत अच्छा लग रहा था एंड होटल का लुक बहुत अच्छा लग रहा था। इस बीच में थोड़े रील्स के लिए मैं पोजेस दे रही थी। सो बहुत बहुत प्यारा सा गाउन था मेरा है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे तो पहन के। तो यहाँ से फिर हम लोग को निकलना था एलपी के लिए, एलपी हाउस बोट एक्सपीरियंस के लिए। थेकड़ी का ट्रिप हो गया था हमारा। सो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ ये सब क्लिक करा के हम निकले एंड ऑन द वे ये एक बहुत बड़ा चर्च मिला हमें जो कि वहाँ पे टूरिस्ट विज़िट करते हैं। इसकी भी काफ़ी डिटेल्स हमें समझाए गए बताए गए, मुझे उतना याद नहीं है। सो यहाँ का भी व्यू बहुत ही ज़्यादा कमाल था, हम इस चर्च में घूमे टाइप। यहाँ से हम लोग एक दो लोकेशन पर और भी रुके थे जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए बट रिकॉर्ड नहीं किया। ये हम पहुँच गए एलपी हमारे हाउस बोट ट्रिप के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी और यहाँ से हम घुसे हमारे बोट में। हमारा बोट पर्सनल था, मतलब उसमें और लोग नहीं थे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस करना था, वन टाइम एक्सपीरियंस था। ये हमारा हाउस बोट था जो कि बहुत ही कमाल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा एंड ये वाला एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कमाल का होता है, मतलब लाइफ टाइम रिमेम्बर रहता है लोगों को। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। देखिए इसमें बहुत अच्छा अरेंज किया गया था हमारे लिए, हमारे बेडरूम को वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। सो ये यहाँ पे ड्राइवर सीट है, उसके बाद में अंदर ये पूरा हॉल है, यहाँ बैठ के टीवी देख सकते हैं, म्यूज़िक बजा सकते हैं, उसके बाद में पूरा चारों तरफ से आप व्यू का मज़ा ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमने लंच किया खाने के बाद, बहुत भूखे थे इसलिए हमने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। एंड ये हमारा बेडरूम है। सो ये बेडरूम है, देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया था हमारे लिए। ये हमारे ड्राइवर थे और एक हमारे कुक हमारे तो दो लोगों के साथ और हम लोग ये चार लोगों का हमारा ये ट्रिप था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेरे इस ट्रिप के लिए, मज़ा आ गया था, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? जो पार्ट है ये जो ट्रिप है एलपी का हाउस बोट का एक्सपीरियंस, ये इंडिया में सिर्फ दो जगह पे मिलता है मोस्टली अच्छे से आराम से। एक तो ये केरला में आपको एलपी में मिलेगा हाउस बोट का एक्सपीरियंस और एक आपको नॉर्थ में क्या बोलते हैं कश्मीर में मिलेगा वो एक्सपीरियंस जो शिकारा राइड होता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी मिल जाएगा। बट ये वाला थोड़ा डिटेल में अच्छे से आपको मतलब रह के आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे इस जो नदी है या तालाब याद नहीं मुझे, इसका फिश बहुत स्पेशल होता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत स्पेशल होता है। सो एक्सपीरियंस करना चाहिए ये वाला ट्रिप। कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ भी आप ले चले। बंद कीजिए।
ये रहे हमारे नए कैप्टन, हैंडसम कैप्टन है काफी। हाय कैप्टन साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर यू वांट टू गो मैम, टेल मी। हाय मुंबई ले चलो। ओके, स्टार्ट डायरेक्ट अक्सा बीच पे। यस, यू आल्सो कम। मैं उनको बोलता आप लंच करो, मैं चला लेता हूँ। ओके यू मे बेटर हाफ कैप्टन, यू मूव दिस वे, आई विल मूव इन दैट वे। ओके तो एक चले जाएंगे पटना, एक चले जाएंगे मुंबई। यू गो मुंबई, आई विल गो पटना। हैदराबाद, इन बिटवीन वी विल गो हैदराबाद आल्सो। हाउस बोट्स की सब अलग अलग वैरायटीज होती है, अलग अलग होती है। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो आपको पर्सनल मिल जाता है, और भी पब्लिक के साथ अगर चाहिए तो वैसा भी मिलता है जो कि उससे कम रेंज में होता है। सो अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसा जिसको मन करे वैसा ले सकता है। हनीमून कपल्स के लिए अलग होता है, तो हमारा ये हनीमून स्पेशली था, तो इसलिए हम कोई और नहीं था, लेकिन बाकी शिप में और भी बहुत सारे लोग थे जो हम देख रहे थे। सो बहुत बहुत सही है ये जो है केरला का, बहुत अच्छा था पूरा ओवरऑल ट्रिप हमारा। पूरा दिन बिताने के बाद बोट में, मतलब बोट चल रही थी, यही उसका एक्सपीरियंस है, बोट चलती रहती है एंड उसमें आप इंजॉय करते हो म्यूजिक एंड ऑल। एक ये लोकेशन पे सारी बोट्स आके रुकती है एलएपी के, जहाँ पे सारी बोट्स का ये स्टेशन एक साथ सारी रुक जाती है एंड नाइट में बोट नहीं चलती। एंड फिर हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया गया था, केक कटिंग, एंड मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी। इसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं मुझे मिल नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा फोटोज़ ही डाल दूँ मैं।
सो काफ़ी अच्छा रहा हमारा कैंडल लाइट डिनर भी, वहीं पे फुल नाइट स्टे था हमारा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चाय वाय नाश्ता वास्ता किए, आराम से अपने ट्रिप का फाइनल पार्ट इंजॉय कर रहे थे। बाद फिर हम यहाँ से निकल के फिर से हैदराबाद के लिए वापस निकल पड़े। एंड ये मेरे लाइफ का बेस्ट ट्रिप था अब तक का। केरला सच्ची में प्लान करना वर्थ था सारा का सारा एक्सपीरियंस, और ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ, क्योंकि जो प्लान उनका था जैसा था वो एकदम परफेक्ट था, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था। थैंक यू।